गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका था। सर्कुलेटरी सिस्टम कल कंप्लीट हो चुका था। हमने तीन सिस्टम पढ़ लिए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना फोर्थ सिस्टम है जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? ए सिस्टम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजिनस वेस्ट विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एज द फॉर्म ऑफ यूरिन नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जिसमें कुछ अमाउंट में वाटर भी होता है और एज द फॉर्म, मतलब किसकी फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में, उसको बॉडी से बाहर निकालने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस सब्सटेंस द ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजिनस वेस्ट जो बनता है बॉडी के अंदर, उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म जो है उनको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अमोनोटेलिक, सेकेंड है यूरियोटेलिक और थर्ड है यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो सबसे पहला है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्या होता है? देखो, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजिनस वेस्ट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है? अमोनिया की फॉर्म में, एंड देन एक्सक्रीट इन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन। तो मीन्स जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है उनको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, तो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। तो अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए पानी की ज़्यादा एक्सेस पानी है उसकी ज़रूरत होती है। सो दिस प्रोसेस इज़ इन द एक्वेटिक एनिमल। तो सिंपल सी बात है, मीन्स इसके अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा वाटर जिनमें होगा उन्हीं के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव किया जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या होंगे? फिशेस, जो कि एनी टाइम पानी में रहते हैं। तो वाटर में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या होगा, उनको क्या बोला जाएगा? अमोनोटेलिक। देन सेकेंड है यूरियोटेलिक। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया आर कोल्ड यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में क्या होगा? जो एनिमल्स जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। तो यूरिया की फॉर्म में ह्यूमन बीइंग है वो भी करता है, तो इसका एग्जांपल होगा ह्यूमन्स। हम लोग जो हैं वो यूरियोटेलिक में ही आते हैं। फिर है यूरिकोटेलिक। एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। नाम से ही पता चल रहा है, जैसे अमोनोटेलिक है वो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे, यूरियोटेलिक है वो यूरिया की फॉर्म में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे, इसमें ह्यूमन्स आ जाएंगे। और इसे देखो, अमोनिया है उसको लीवर के अंदर यूरिया में चेंज कर दिया जाता है, जो लीवर है वो उसको यूरिया में चेंज कर देता है। फिर है यूरिकोटेलिक में बताया गया है कि एनिमल्स जो हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट जो है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं, इसमें आ जाएंगे बर्ड्स, इंसेक्ट एट्सेट्रा। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ह्यूमन्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स, देखो, पेयर ऑफ किडनीज। पेयर किडनीज के पेयर मतलब दो किडनी है, एक ये हो गई और एक पेयर ऑफ किडनी। वन पेयर ऑफ यूरेटर, एक पेयर होता है यूरेटर का, एक यूरेटर ये है एक यूरेटर ये है। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिथ्रा। ठीक है, ये है यूरिथ्रा। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया यूरिथ्रा। तो वन पेयर किडनी हो गई, वन पेयर यूरेटर हो गया, और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरिथ्रा। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मिलते हैं। इसमें ये किडनी, इधर किडनी है, ये रीनल वेन्स हैं, ये यूरेटर हैं, इधर ब्लैडर है जिसमें आकर के यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये इधर वेना केवा, ये अरोटा है, देखो। ठीक है, अब आगे देखो किडनी। अब किडनी की स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, वन पेयर किडनी आर प्रेजेंट इन बोथ साइड ऑफ बैकबोन इन पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमेन कैविटी।
वन पेयर किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है बैकबोन के दोनों साइड पैल्विक रीजन, एब्डोमन कैविटी के पैल्विक रीजन में, ठीक है। किडनी आर डार्क ब्राउन और रेडिश ब्राउन इन कलर्ड कलर्ड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। किडनी जो होती हैं डार्क ब्राउन रेडिश कलर की और बीन शेप्ड, बीन जो होता है ना उसकी शेप की होती है, ठीक है, सेम जो होता है उसकी शेप की होती हैं। ईच किडनी इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ एंड 5 to 10 सेंटीमीटर इन ब्रेड, 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ईच किडनी इज सराउंडेड बाई 3 लेयर्स फाइबर्स कैप्सूल, हर एक जो किडनी है वो 3 लेयर्स फाइबर्स कैप्सूल से घिरी हुई रहती है जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल, ठीक है, ये होता है रीनल कैप्सूल। ईच किडनी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, हर जो किडनी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, द कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला, ठीक है। फिर है पहला पार्ट इसके अंदर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो आउटर पेरिफेरल पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज कॉर्टेक्स, आउटर पेरिफेरल जो पार्ट होता है इसका वो होता है कॉर्टेक्स। ऑन द कनकेव सरफेस इट नैरो ओपनिंग इज प्रेजेंट इज कॉल्ड हाइलम, ठीक है। आउटर जो पेरिफेरल पार्ट होता है किडनी का उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो कनकेव सरफेस होती है इसकी जहाँ पे नैरो ओपनिंग होती है वहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होता है। इट इज़ द रीज़न वेयर पेल्विक नर्व नर्व सेल ब्लड वेसल्स आर एंटर इनटू द किडनी, ये जो हाइलम होता है इस रीजन में पेल्विक जो नर्व सेल्स होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं वो किडनी के अंदर एंटर करती है। डायग्राम में देखो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ये हमारी किडनी है, ठीक है। ये जो किडनी है इसके जो बाहर वाला पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और ये आपका हाइलम है, ठीक है। ये देखो ये, हाँ ये हाइलम है। उसके बाद फिर है मेडुला, इट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ किडनी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉनिकल स्ट्रक्चर नोन एज मेडुलरी रेज, जो मिडिल पार्ट होता है किडनी का उसको बोलते हैं मेडुला, और ये इसके अंदर कई कॉनिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। मेडुला जो है कई सारी ब्रांचेस का बना होता है, ऑफ कैलिक्स की ब्रांचेस का बना होता है, ब्लड कैपिलरीज और नर्व सेल्स का। फिर है यूरेटर, मतलब किडनी पढ़ लिया अपने, किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला हो गया, उसके बाद है सेकंड पार्ट यूरेटर। यूरेटर जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, इट रन्स किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। ईच यूरेटर ओपन इन कनेक्ट विद पेल्विक ऑन अपर साइड टू हेल्प टू कंडक्शन और ट्रांसफ़र ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, हर जो किडनी है वो सॉरी यूरेटर है वो किडनी से यूरिन को और यूरिनरी ब्लैडर तक ले करके आती है। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर, इट इज़ ए मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन। बोथ हैव द यूरेटर ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, दोनों यूरेटर हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुलती हैं। इट स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे यूरिन जो है वो स्टोर रहता है। उसके बाद यूरिथ्रा, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर ओपन द बॉडी सर्फिस विद द हेल्प ऑफ अपर्चर, ये लास्ट पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बॉडी सरफेस पे एक अपर्चर की हेल्प से खुलता है। इट हेल्प टू रिमूवल ऑफ यूरिन सॉरी यूरिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूरिथ्रा, ये हेल्प करता है रिमूवेबल जो यूरिन होता है उसके ओपनिंग में और क्लोजिंग में, यूरिथ्रा कंट्रोल करता है बाई स्फिंक्टर मसल्स, और इसको स्फिंक्टर मसल्स के द्वारा यूरिथ्रा को ओपन और क्लोज करने को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। कुछ छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो वो क्या होगी? नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। हर जो किडनी होती है उसके अंदर लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है। ये हमारे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो ये बोमेन कैप्सूल होता है, ये ग्लोमेरुलस है, इसमें ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। इसमें ये एफरेंट आर्टरीज हैं, ये ईफरेंट आर्टरीज हैं। उसके बाद PCT है, ये DCT है, हैनलेज लूप है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट है जिसके अंदर ये यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है।
उसके बाद सबसे अब इसमें आगे देखो थ्योरी पढ़ते हैं इसकी। ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट, हर नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है मेलपीजियन या मेलपीजियन जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है मेलपीजियन या फिर इसको रीनल कैप्सूल भी बोलते हैं, दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। उसके बाद मेलपीजियन जो है ये दो पार्ट, दो में डिवाइड होता है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल क्या होता है देखो, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इट इज़ स्टार्टिंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड कप शेप स्ट्रक्चर। बोमेन कैप्सूल जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और ये स्टार्टिंग पार्ट होता है नेफ्रॉन का और ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो कप लाइक स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल, बिल्कुल से ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से ये बाउंड होता है। उसके बाद है ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरी कम इनटू बोमेन कैप्सूल विद नाइट्रोजिनस वेस्ट। ग्लोमेरुलस के अंदर एफरेंट जो आर्टरीज हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को लेकर के आती, वेस्ट कंटेन जिस ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है उस ब्लड को लेकर के किडनी में आती हैं विद द वेस्ट, हाँ ठीक है, बोमेन कैप्सूल में आती हैं ब्लड एंड डिवाइडेड इंटू रीनल सेवरल फाइन ब्रांचेज, बहुत सारी फाइन ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म ए क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एक ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर बना लेती हैं, गुच्छा बना लेती हैं, नॉन एज ग्लोमेरुलस, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आती हैं ये एफरेंट आर्टरीज हैं, ये लेकर के आती हैं एफरेंट आर्टरीज, जो वापस ले यहाँ पे ये गुच्छा सा बन जाता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके बाद है रीनल ट्यूब्यूल, दूसरा अपना पार्ट था रीनल ट्यूब्यूल, ये तो हो गया उसका मेलपीजियन का टू पार्ट में डिवाइड है ना, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल इट बिगिन विद ए डबल वॉल कप लाइक बोमेन कैप्सूल विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, द ट्यूब्यूल कंटेन विद, अब ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या होता है देखो, PCT, हेनलेस लूप और DCT, ये मैंने तीनों डायग्राम में आपको दिखाई थी, ये वाली PCT है यहाँ ये, और उसके बाद ये DCT है और ये हैंडलेस लूप है यहाँ नीचे, ठीक है। उसके बाद है PCT क्या होती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, इट इज़ प्रेजेंट नियर द बोमेन कैप्सूल, हाईली कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल बोमेन कैप्सूल के पास में होती है, हाईली कॉइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। हैंडलेस लूप होता है यू शेप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड बिटवीन PCT एंड DCT, ये PCT और DCT के बीच में बनता है जिसको बोल नॉन एज हैंडलेस लूप। फिर थर्ड है DCT, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ठीक है, इट इज़ ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट लेस कॉइल्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ट्यूब, और ये किस में खुलेगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो मैंने दिखाया था अभी आपको डायग्राम में, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो कि लेस कॉइल्ड होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कॉइल्ड नहीं होता। उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट, इट इज़ ए स्ट्रेट डक्ट विच कनेक्ट विद सेवरल नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, ये है सीधी एक बिल्कुल स्ट्रेट डक्ट होती है जो कनेक्ट होती है सेवरल नेफ्रॉन ट्यूब से, इट कलेक्ट यूरिन एंड ट्रांसफर देन यूरेटर, यूरिन को कलेक्ट करके और फिर उसको यूरेटर में ट्रांसफ़र करती है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। फिर है वेसा रेक्टा, ए ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टरी कम आउट टू बोमेन कैप्सूल एंड रैप्ड अराउंड द हैंडलेस लूप टू फॉर्म ए बेस्ट नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, एक जो ब्रांच है वो एफरेंट आर्टरीज की बोमेन कैप्सूल से बाहर आकर के और हैंडलेस लूप है उसके चारों तरफ रैप हो जाती हैं, लिपटी जाती हैं और एक बेस्ट नेटवर्क बनाती हैं ब्लड कैपिलरीज का, जिसको बोलते हैं वेसा रेक्टा। अब फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले देखो यूरिन का यूरिन फॉर्मेशन, मतलब नेफ्रॉन फॉर्म्स यूरिन फ्रॉम सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, नेफ्रॉन जो है यूरिन बनाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट को सेपरेट करके ब्लड से। दिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेप, ये जो प्रोसेस है थ्री स्टेप में डिवाइड होती है। फर्स्ट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सबसे पहले ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन कैसे होता है देखो, इन दिस स्टेप ब्लड कम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू किडनी बाय एफरेंट आर्टरी, इस स्टेप के अंदर क्या होगा, ब्लड जो है बहुत सारे पार्ट्स हैं और बॉडी के अंदर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू किडनी, बॉडी के पार्ट से किडनी में आता है, ठीक है। एफरेंट आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड इनटू ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरी जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं किस में, ग्लोमेरुलस में। दिस पार्ट हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नियरली 1000 to 1200 milliliter ब्लड, ये जो पार्ट है ये ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है 1000 से लेकर
1200 मिलीलीटर ब्लड जो है फिल्टर करता है पर यूनिट टाइम में। उसके बाद सेकंड है रीअब्जॉर्प्शन। इन फिल्ट्रेशन सम यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एमिनो एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट। और इस वाले में फिल्ट्रेशन के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे ग्लूकोज है एमिनो एसिड है वो जो प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दिस फिल्ट्रेट पास आउट इनटू रीनल पीसीटी, ये जो फिल्टर है जब पास आउट होता है पीसीटी से देन दे आर रीअब्जॉर्ब बाय द मेम्ब्रेन ऑफ पीसीटी। तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, उसके द्वारा इसको दोबारा से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट टू वेसा रेक्टा। और किस में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? वेसा रेक्टा में। फिर थर्ड है सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होगा? देखो फिल्टर फ्लो इन डीसीटी। इन दिस पार्ट द कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ यूरिन इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ADH। इसके अंदर जो डीसीटी के अंदर जो फिल्टर आता है उसके अंदर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है यूरिन की उसको कंट्रोल किया जाएगा किसकी हेल्प से? ADH। ADH क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो है ये जो हार्मोन है ये यूरिन की जो कंसंट्रेशन है ये ADH जो हार्मोन है ये वाला जो हार्मोन है यूरिन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। फिर है दिस प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन pH लेवल ऑफ ब्लड। और ये जो प्रोसेस है ये ब्लड के pH लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब जो अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या होते हैं? देखो लंग्स है, लीवर है और स्किन है। ठीक है। लंग्स जो होते हैं इट हेल्प टू रिमूव ऑफ CO2 18 लीटर पर डे 18 लीटर CO2 है उसको रिमूव करते हैं लंग्स हमारी बॉडी से। दूसरा है लीवर, इट हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल है, स्टीरॉयड हार्मोन है और ड्रग्स हैं और अदर जो वेस्ट मटेरियल हैं इनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। इट ऑल्सो चेंज द डीकम्पोज हीमोग्लोबिन पिगमेंट इंटू बाइल पिगमेंट कॉल्ड बाइल बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। ये जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट मतलब चेंज द डीकम्पोज हीमोग्लोबिन पिगमेंट है उनको बाइल पिगमेंट जिसको बोलते हैं बाइल बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन में चेंज करता है। स्किन जो है इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट एज पर फॉर्म ऑफ स्वेट। और ये हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर है और जो सॉल्ट होता है उसको स्वेट की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव करता है। ठीक है। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया है। कल अपन स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।